अरे तेरा फोन कहाँ है? 3 घंटे खड़े होने के बाद अब जाके ट्रैफिक खुला है। फक भाई गिर गया। उठना उठना उठना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब भाई बढ़िया होगे, बढ़िया ही रहना। तो भाई आज है day 4 और हम निकल रहे हैं भाई मनाली से वापस, क्योंकि अब आगे जाने नहीं दिया जा रहा। आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रखी है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। अब देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। ज़्यादा रात में ड्राइव नहीं करेंगे, जहाँ पर भी लगेगा कि हाँ अब यहाँ रुकना चाहिए तो भाई रुक जाएंगे। टाइम लगभग 9 बज रहे हैं और वी आर रेडी टू गो। एंड बस जैकेट पहननी है, मनोज रेडी हो रहा है, सब कुछ पहन लिया है और यहाँ से अब चेकआउट करते हैं। और भाई बाहर का ये देखो मौसम, अंदर गर्मी हो रखी है, बाहर बहुत गंदी ठंड है। ये चेक करें गाइस, भाई धूप निकल गई बढ़िया। और अब जो परसों जो बर्फ़ गिरी थी ना, अब जो कल, अब जो पूरी रोड पे पड़ी होगी वो पूरी शीशा हो गई होगी, मतलब कांच बन गया होगा पूरा। अब ज़्यादा स्किट होगी बाइक, तो भाई आराम आराम से नीचे निकाल लेंगे। दिक्कत बस नीचे यहाँ से लेके नीचे मेन रोड तक है, क्योंकि इसी एरिया में बर्फ़ गिरी हुई है, क्योंकि ये ऊंचाई पे और ढलान पे है, ठीक है। बट बाकी जो मेन रोड है नीचे वहाँ पे नहीं है इतनी। तो भाई देखते हैं, निकालते हैं बाइक को और धीरे धीरे अपने आगे चलते हैं। और अब मैं ज़रा चेकआउट वगैरह कर लूँ और निकलते हैं फिर यहाँ से, बाइक पर मिलता हूँ सीधा आपको, ठीक है। तो गाइस वी आर लिविंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड भाई ये पूरी ना कांच हो रखी है, देख लो पूरा शीशा हो रखा है, फिसलेगी बाइक। तो मनोज पीछे से बाइक को पकड़ेगा धीरे धीरे एंड मैं धीरे धीरे इसको आगे निकालूंगा। तो भाई कर देते हैं, भगवान का नाम ले देते हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलो जी जय श्री राम, चल तू आगे, साथ साथ ही चलो हैं। जय श्री राम भगवान, अच्छे से चले, अच्छे से चले। मैं बहुत धीरे धीरे निकालना पड़ गया, क्योंकि पूरे कांच है यहाँ पे नीचे। रोड का जो पानी था ना, ये थोड़ी बहुत बर्फ थी, वो पूरा कांच हो चुका है। तो होपफुली आराम आराम से कर जाए नीचे। चलो जी जैसे ये पानी बह रहा है ना, तो कल ये पानी पूरा वो हो गया। कल रात में करीब -9 या 10 था, -9 तक तो मैंने देखा था, रात के 12 बजे तक। फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा, ज़्यादा ही हो गया होगा। तो भाई आगे वाले माता जी, भाई एकदम धीरे धीरे निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये ना पूरी ब्लैक आइस हो चुकी है, ब्लैक आइस बन चुकी है पूरी। भाई इस ट्रिप पे तो सारे एक्टिव हैं, भाई गई गई गई। तू इधर को धक्का मार। हाँ मैं इधर को मैं भी चाह रहा हूँ। कैसे करें भाई, गाड़ी भी आएगी पीछे से। तो चल रहे हैं, मैंने यहाँ पे पैर रख रखा है, तू पीछे ले अगर ले सकता है। मैंने रुक रुक रुक, पीछे ले इसको, चल भी तो मैं धीरे धीरे और धीरे और ऐसे और धीरे चलते और पीछे चलते। ये वाला पैच है बस जो है वो इसका ही बहुत।
चल धीरे धीरे निकालते हैं, पैदल ही निकालते हैं भाई। पीछे वाला गियर में है ना। हाँ छोड़ दे गियर में, अपना आप नीचे आएगा तू फिसल। अबे फिर मैं भी तो फिसल जाऊंगा ना, बाइक के साथ साथ मैं भी गिरूंगा। धीरे धीरे चलते हैं भाई, सांस भी फूल रही है एक तो, क्योंकि इतनी भारी बाइक है। एकदम ऐसा हो गया, एकदम चिकना चिकना जैसे। क्या सी करें भाई, भाई भाई के साथ जा रही है, भाई भाई के साथ जा रही है। बड़ी देर बाद ना थोड़ा सा ठीक आया, बट इस पे भी ना हल्की हल्की लेयर जमी हुई है, तो भाई मैंने बाइक बंद ही कर रखी है, हवा नहीं निकाली, क्योंकि फिर यार बड़ी। एक जो भाई थे ना वो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं ब्रो, मैंने निकाली थी हवा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सेम चीज़ हो रही थी, स्किट उनकी भी हो रही है, वो पैदल पैदल आगे लेके गए हैं, मैं भी धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, दो पाँच की स्पीड से। कल क्या सीन हुआ ना, कल स्नोफॉल नहीं हुई, बस मॉर्निंग में थोड़ी सी हुई, तो वो जो जमी थी ना तो ठंड पड़ती गई, हवा चलने लग गई, तो हवा की वजह से जो सिस्टम हुआ है ख़राब, पूरी ब्लैक आइस बन गई, पूरी ब्लैक आइस, इतना बुरा हाल हो रखा है भाई, ब्लैक आइस बहुत ख़तरनाक है सच में यार, बहुत ख़तरनाक। स्नो चेन वाले बंदे भी ऐसे घिसते घिसते जा रहे हैं। One eternity later. भाई बहुत मुश्किल में नीचे उतर पाए, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता, लगभग 30 से 35 मिनट लग गए भाई नीचे उतरने में, क्योंकि इतनी स्पीड हो रही थी। अब बाकी भाई इस रोड पर देखते हैं, यहाँ तो है नहीं खैर आगे का पता नहीं, आगे देखते हैं। चल के मनोज बैठ रहा है, चलो बैग भी देखता रहियो ना बीच बीच में। चलो जी शुरू करते हैं। भाई स्नो में एक चीज़ तो सीख ली कि ब्रेक पे पैर ही नहीं रखना बिल्कुल भी एकदम, या तो अगर बाइक वाइक पे हैं तो भाई बाइक अपनी बंद कर दो, फर्स्ट गियर में डाल दो और हल्का हल्का क्लच दबाते रहो, और आगे के ब्रेक तो बिल्कुल यूज ही मत करो, सोचो भाई नहीं पीछे, ठीक है उन्हीं से बस चलने दो धीरे 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 धीरे, वरना भाई हल्का सा भी हैंडल ऐसे हुआ ना लेफ्ट या राइट, सच्ची बता रहा हूँ मुँह बजेगा नीचे गिरते ही। मैं भाई 3-4 बार ना गिरने से बचा हूँ, वो तो सही है कि मैंने तेज नहीं कर रखी थी, एकदम धीरे में ही चल रहा था तो गिरा नहीं, पीछे से मनोज ने भी बाइक पकड़ ली थी, वरना भाई ये जो फैन रखे हैं ना सेफ्टी गार्ड, ये चेक हो जाते मनाली वाला एरिया पूरा, क्या कहते हैं धीरे धीरे ही निकालेंगे, और वो वाली साइड वो पूरी भाई ट्रैफिक से खड़ी पड़ गया, इसमें देख रहे गुरु कितनी जगह है मेरी। सबसे आते ही जिस दिन एंट्री हुई उसी दिन रात में हैवी स्नोफॉल हो गई, हैवी स्नोफॉल हो गई, ठीक है जो चीज़ देखने आए थे हो गई, बाइक ढकनी थी ढक दी, स्नो में चला ली, स्नो में बर्नआउट मार दिया, और क्या कहते हैं ब्लैक आइस तो सोच के भी नहीं आता कि ब्लैक आइस पे भी चलानी पड़ेगी, बट भाई ब्लैक आइस पे भी चला ली। और बताओ और कुछ छूटा है, जो कुछ छूटा है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली बारी में कर देंगे, ठीक है। एडवेंचर करने के लिए बने हैं अरे हम, एडवेंचर तो एडवेंचर ही एडवेंचर चलता रहेगा लाइफ में, वैसे भी बहुत एडवेंचर चलते हैं यार लाइफ में, तो फर्क नहीं पड़ता। ये बीच बीच में जो पता है जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही ना वहाँ पूरी ब्लैक आइस हो रखी है, चाहे वो जैसे ये वाला एरिया चल रहा है ना इस पे भी, जैसे बाइकें बसें खड़ी हैं काफ़ी, मतलब मेरे ख्याल से रात से खड़ी हैं, तो धूप नहीं आ रही इधर रोड पे, अगर ऐसा सीधा रोड हो ना तो उस पे ना कम दिक्कत होती है चलाने में, ठीक है, बट जब इंक्लाइंड हो ना एकदम पूरा इंक्लाइंड डिक्लाइंड, ये भाई इतना गंदा मतलब क्या बताऊँ,
रूह कांप गई। बीच बीच में तो जब मैं गिरने से बचाया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे घुटने धरती पे टिकते दिख रहे हैं, बट भाई नहीं टिकने दिए तुम्हारे भाई ने, आराम से मस्त धीरे धीरे एकदम 2-3-5-5 ऐसे की स्पीड में धीरे धीरे एकदम स्लो स्लो निकाल दी। कितनी मनोज है सही है फक भाई गिर गए। उठवा 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 उसको उठवा नहीं वो कर वो हैंडल वो कर स्टैंड लगा इसका ठीक है ठीक है ना तू ठीक है ना हाँ ठीक है नहीं लगी नहीं पहन रखे ना हाँ नहीं एकदम से ब्लैक वो हो गया ना वहाँ पे पैर में हवा बंद करने के ठीक है भाई ये गिर गया इसको जेब में रख ले जरा एक बार साइड कर लेते हैं रोड के टर्न पे वो स्किट हो गई लगी नहीं, नहीं पहने थे नहीं उन्हें बचा लिया हाथ में भी अंदर पहने हुए हैं नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ भैया टायर थोड़ा कम कर लीजिए हवा कम कर दो इसी आगे भरा देना दब के चलेगी गाड़ी सही से ठीक है भाई बच गए सही एकदम से ब्लैक आइस आ गई आप बैठो बाइक में बैठो हाँ बाइक में बैठो आप हवा कम कर लीजिए मनोज बैठो बाइक में मनोज बैठियो थैंक यू भैया थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच बैठ मनोज ओके लगी तो नहीं ना देख ये जो एरिया है ना जो ब्लैक जो ढका हुआ है इसमें एकदम अपने आप ही स्किट हो गई और पता मैं निकलता हुआ जा रहा हूँ मैं भी भाई घाट में भाई बहुत बचाया वरना अभी बहुत तेज लग जाती बट मुझे पता था ना कि क्योंकि भाई गिरना तो पक्का है ही यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो गिरते ही तो भाई बहुत कुछ अपना भाई सेफ्टी लेके चलना चाहिए हाँ भाई जो स्किट होते गए ना भाई मजे से आ गए बट हाँ थोड़ा पीछे ऐसे गए घिसते हुए निकल गया क्या कुछ हुआ कट से कुछ क्या कट से क्या हुआ ये रिबन बंधी है ना रिबन बंधी हुई है ना यार इसको जगह दे दूँ ओ तेरा फोन कहाँ है क्या मेरा फोन नहीं गिरा रहा उनको
रहा था ना कुछ गिरा है, कट से आवाज आई है। भाई एक फोन गिरा है यहाँ पे, फोन गिरा है एक, अभी फोन गिरा एक, जस्ट देखा आपने? हाँ जी, फोन गिरा, फोन पता नहीं। चल तू उसको फोन दे, तू निकाल के अपना कॉल। मैंने कहा था ना कुछ कट सा हुआ है। ये रहा। उधर उठा इसको फटाफट फटाफट उठा। चल रहा, पहले गिरे फिर उसके बाद फोन गिर गया, पता नहीं। फाइनली भाई मिल गया, यहीं पड़ा था भाई। बहुत मतलब क्या बताएं, छोड़ो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बट भाई इतना भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एडवेंचर हो रहा है, मज़े आ रहे हैं, बट यार नुकसान ना हो। बस ये बाइक का ये निकल गया है जो कि रख लिया है, आगे कहीं पे लगा लेंगे। एंड धीरे धीरे ही चल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे ना रास्ता की अबे हवा कम निकाल दी ना। तो गाइस खाना पीना खा लिया, वी आर लिविंग फ्रॉम हेयर। बढ़िया था भाई खाना, और अब बस पेट्रोल पंप पे रुकना है, तो पेट्रोल टॉपअप कराना है, एच एम फ्रेस निकलना है। चलो जी, तो भाई पेट्रोल टॉपअप करा लिया, फुल करा ली। एक पॉइंट बच रहा था इसमें, बट मैंने कि आगे पता नहीं पहाड़ों पर मिले ना मिले, क्योंकि अब थोड़ा ऐसा पतला रास्ता शुरू होने वाला है, इसीलिए मैंने फुल करा लिया। गाइस ये चेक करें भाई, वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना, देखियो। और ये सारे पेड़ ना ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो नारियल वाले पेड़ हो, मतलब पहाड़ में से निकल रहे हैं, पता नहीं बहुत सही लग रहे हैं भाई। और ये पूरी नदी वाइट वाइट हो रखा साइड में भाई, जब ये पूरी भरती होगी ना, अभी जब बर्फ़ पिघलेगी, जब सच बता रहा हूँ यहाँ से लेके पूरा ये एरिया ढक जाएगी, ढक देगी ये नदी। ज़्यादा उस साइड मत जाइयो, कितना सही लग रहा है भाई वाटरफॉल, एक नंबर। ये चेक करें मैन, दिल खुश। पीछे हम पीछे जितने भी वाटरफॉल थे वहाँ सारे जमे हुए थे, अब ये पहला वाटरफॉल मिला है जो भाई चल रहा है, कितना सही लग रहा है यार। गाइस ये देखो कितनी बढ़िया चमक रही है भाई ये झील, मतलब पीछे जो नदी का पानी आ रहा है ना यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो झील बन गई, बहुत मस्त लग रही है यार सच में। एंड आगे जो पुल आ रहा है ना, इस वाले पुल के पास वीडियो एंड फोटोग्राफी रोक के मतलब लेना अलाउड नहीं है, कितनी प्यारी लग रही है भाई, ऊपर से धूप गिर रही है तो मस्त चमक रही है, एक नंबर। बट हमारा तो गोप्रो ऑलवेज ऑन ही रहता है, तो भाई रोड भी बना दी क्या पता है, क्या मस्त रोड बनाई है। और ये नई बनी है, बहुत प्यारी लग रही है यार सच में। मन तो कर रहा है कि यहाँ पे रोक के ना फोटो वीडियो बनाई जाए, बट ये देख रहे हो वर्जित क्षेत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोहिबिटेड एरिया, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो यहाँ पे पुलिस वाले जो खड़े हुए थे ना उन्होंने बोला कि यहाँ पे मत रुकना, फोटो वीडियो ये चेक करें भाई,
क्या सही लग रही है, देख रहे हो कितनी बढ़िया लग रही है भाई, मस्त है, मज़ेदार। तो गाइस यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे पूरी ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ सामने ना लैंडस्लाइड हो गई है, तो अब टाइम लगेगा, तो यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। भाई अभी फ्लाई करने वाला है, ए 3 2 बहुत देर होगी तो कोशिश करते करते। शिट मैन, छोड़ दिया, हट भाई। 3 घंटे खड़े होने के बाद अब जाके ट्रैफिक खुला है, अब देखते हैं आगे जाके भाई कौन सी लैंडस्लाइड हो गई थी, कौन सा पहाड़ अपनी जगह से हट गया था। भाई सबसे पीछे खड़े थे हम, और जैसे ही भाई सामने से गाड़ी आई ना, गोली की तरह निकले हम सबसे पहले। वो आगे दो बाइकर जा रहे, एक ये, एक मैं और एक ये गाड़ी वाले, हम तीनों। अच्छा यहाँ से हो गया था क्या? नहीं यहाँ से तो नहीं हुआ। ओ हो हो भाई यहाँ हो गया था रे, ये तो पूरा ही पहाड़ नीचे आ गया। शिट मैन भाई, पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया। ये सब चीज़ें ना पहाड़ों में बहुत नॉर्मल होती हैं, लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। तो अब इसको क्रॉस करते हैं, और भाई 4 बज गए, ग्लव्स भी नहीं पहने मैंने जल्दी जल्दी में भाई, क्योंकि भाई पीछे रह गए ना फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भाई फटाफट निकल लो क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। लिटरली मेरे को वो लग रहा है कि हमें घर पहुंचने में ना सुबह हो जाएगी, 3 या 4 बज जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता बहुत अटपटा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। और ओ यहाँ पे भी हुआ है क्या कुछ? तेरे भाई बीच रोड पे बंदे कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी करके फोटो वीडियो लेने लगते हैं, और पीछे ट्रैफिक लग जाता है, बिकॉज पीछे से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो ट्रैफिक लगना है ही। भाई यहाँ पे भी हो रखी है, दो दो जगह, एक पीछे एक यहाँ। ले भाई यहाँ भी पूरा पहाड़ी जा रखा है। अरे यार फिर से रोक दिया, शिट। भाई गड्ढा हो गया यहाँ तो पूरा ही। ग्लव्स दे, ग्लव्स। ग्लव्स पहन लेता हूँ भाई, इतने में ही ना पूरे ठंडे हाथ हो गए। अच्छा ये पूरा, ये सामने से ना ये वाला पहाड़ भी गिर गया और पीछे वाला पहाड़ भी, इसी के चक्कर में हम इतनी देर खड़े रहे वहाँ पे। अब एक एक करके ट्रैफिक निकाल रहे हैं, पहले उधर की गाड़ियाँ फिर इधर की गाड़ियाँ, थोड़ा उधर से खाली हो जाएगा थोड़ा इधर से। बंद कर देते हैं, देखियो पूरा गड्ढा। ओ भाई ट्रक कहाँ खड़ा है, देखियो ट्रक है ब्रो। हाँ अबे पलट के गिरा है ये ट्रक, देख कहाँ पे पड़ा है भाई, ऊपर कहीं से गिराया है क्या? इतनी सारी चीजें आज देखने को मिल गई ना। वेलकम टू अम्बाला गाइज, वी आर एट अम्बाला। भाई ये रहा अम्बाला का गेट, इतना बड़ा। रात के 10 बजे अम्बाला एंटर हुए हम। तो गाइज सेफ एंड साउंड अपने घर आ गए, 2:15, और
जस्ट अभी अभी आए हैं, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया रही ट्रिप, अभी कुछ नहीं बता सकता मैं, सुबह बताऊंगा ठीक है सारी चीज़ें क्या क्या हुआ हमारे साथ और सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताऊंगा ठीक है। अभी मैं इसको अंदर करता हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत तेज़ ठंड लग रही है लिटरली। और बाइक की हालत भी सुबह ही दिखाऊंगा ठीक है। चलो जी, वन इटर्निटी लेटर। तो भाई सेफ एंड साउंड अपने घर आ चुके थे और अभी उठाऊँ मैं, 1 बजे उठाऊँ क्योंकि यार मैंने इतनी लंबी बाइक चलाई है, करीब 600 कुछ किलोमीटर चलाई है एक दिन में ही खींची है। आपने देखा होगा पीछे की एक जगह लैंडस्लाइड हुई थी तो वहाँ पे ना हमारे लगभग 2-3 घंटे करीब ख़राब हो गए थे, तो हम वहीं पे खड़े रहे बैठे रहे। मतलब एक तो हम वहाँ से 10 बजे हमारा चेकआउट हुआ लगभग, हाँ 10 बजे करीब चेकआउट हुआ, तो वहाँ थी पूरी ब्लैक आइस, लगभग 3 किलोमीटर तक ना पूरी ब्लैक आइस थी एकदम। बाइक ऐसे स्किट हो रही थी पैदल पैदल धीरे धीरे, तो इतनी भारी बाइक को नीचे तक लेके आए, पहाड़ से नीचे तक लेके आए। फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे चले फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, मतलब हमारी लगी नहीं बट गिर गए, तो अब जो होना था वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे चलेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चलता रहता है। बट एक चीज़ समझ में आई कि भाई गार्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइडिंग गियर्स, राइडिंग गार्ड्स, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाइक में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी ज़रूरी हैं जो बाइक को भी सेफ करती हैं। तो हम लगभग जब वहाँ से निकले थे तब अराइवल घर पे दिखा रहा था कि 11-11:30 बजे तक, 2 बजे के आसपास हम यहाँ पे आए हैं, 2 के बाद ही। तो उस टाइम कुछ भी शूट करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, मतलब मेरी हालत नहीं थी। एंड मैंने पहाड़ अंधेरे में लगभग भाई 150 किलोमीटर मैंने अंधेरे में पहाड़ों में चलाई है बाइक। तो पहाड़ों में क्या ना रात के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, गड्ढे नहीं दिखते हैं, सामने से गाड़ियाँ आती हैं तो वो हाई बीम करके आती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आंखों पे लगती है, समझ जाओ आप लोग, है ना। तो अभी जस्ट भाई मैं उठाऊँ और बाइक की जो हालत हो रखी है मतलब इतनी गंदी हो रखी है भाई, लेके भी तो हम ऐसे ही जगह हैं, कीचड़ में, बर्फ़ में, पानी में, सब जगह गई है, मैंने धुलवाई नहीं। तो अब दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या नुकसान हुआ है। खैर थोड़ा बहुत ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है ओवरऑल, भाई हमारे नहीं लगी, मेन ये है बाइक तो ठीक हो जाएगी बट हमारे नहीं लगी, काफ़ी अच्छी बात है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि बाइक में क्या क्या सीन हो चुका है। सबसे पहले तो भाई इसकी हालत देख लो, हर जगह कीचड़, बर्फ भाई, सच बताऊँ बर्फ ना जब हमने खड़ी करी थी ना तो यहाँ यहाँ तक बर्फ़ थी, मतलब ये भी डूबा हुआ था पूरा और ये पूरे ना बर्फ़ में फंसा हुआ था ये वाला पूरा एरिया। तो निकाली हमने वहाँ से, बहुत प्रॉब्लम हुई निकालने में, खैर निकाली कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई जब गिरी थी ना बाइक तो एक तो ये टूट गया, यहाँ पे लगते हैं ये होते हैं कि जो हैंडलिंग में जो वाइब्रेशन होते हैं ना, ये काफ़ी वजन है इसमें, लगभग 350 ग्राम तो हो गई वज़न एक में, इसको लगवाना है, ये यहाँ से निकल गया। एंड भाई ये देख रहे हो यहाँ ये विंड स्क्रीन पे पूरा स्क्रैच लग गया क्योंकि राइट साइड से ही गिरी थी, हम राइट साइड से ही स्लिप होके गए थे, निकल गए थे। और ये देख लो ये स्क्रैच लगे हैं यहाँ पे। बाकी ये सबसे बड़ा मेज़र लगा है भाई ये, जो कि यहाँ से ये जो हुक है ना ये टूट गया है, तो ये जो क्रैश गार्ड है ये देखो पूरा घिसा पड़ा है, ठीक है। तो भाई बाइक के अंदर ना सच बता रहा हूँ ये क्रैश गार्ड बहुत हेल्प करते हैं, ये इस हल्के से एक पाइप ने बाइक की ये फेयरिंग, ये जो वाली ये वाली फेयरिंग है, ये रेडिएटर और मतलब ओवरऑल ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना ये वाली, इन्हें बचाया है काफ़ी। खुद एक अपना इम्पैक्ट लेके ये मुड़ गया तो मतलब इसका ना स्क्रू टूट गया, तो ये वाला स्क्रू ही डलेगा पूरा, तो इसको डलवा लेंगे, ठीक है। बाकी भाई इतनी गंदी हो रखी है देख लो, धोई नहीं, अभी इसको जाऊंगा मैं धुलवाऊंगा। हैंडलिंग भी थोड़ी ढीली हो गई है यहाँ से, तो वो टाइट वाइट करवा लेंगे, मतलब कोई ज़्यादा मेज़र नहीं हुआ है बस। वो अब कहना कि पहाड़ों में जब ऊपर नीचे गड्ढे वड्ढों में चलती रहती है तो क्या बोलते हैं स्क्रू ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, ढीले वगैरह, तो इसको हम टाइट करवा लेंगे। एक दो चीज़ें तो मैं खुद ही कर लूँगा, इतना तो है ही तुम्हारे भाई को। बाकी भाई इधर ये एग्जॉस्ट के ऊपर ये देख रहे हो ये पूरा स्क्रैच आ गए यहाँ पे, यहाँ स्क्रैच आ गए, नीचे की साइड आ गए क्योंकि इसी के ऊपर गिरे थे, इसके ऊपर और इस इन्हीं ने बचाया है मतलब बाइक को। खैर और तो कहीं पर लगी नहीं है, बाकी बस गंदी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि भाई कह नहीं सकते। ये चेक करें भाई कितनी गंदी हो रखी है। अभी चलते हैं इसको धुलवाते हैं,
साफ सूफ करवाते हैं। और भाई इस वीडियो में बस यही था, बाकी भाई पूरी ट्रिप पे ना मतलब ये हमारी लगभग 1250 किलोमीटर की ट्रिप थी भाई। बहुत प्यारी परफॉर्मेंस रही है बाइक की, बहुत तगड़ी, मतलब कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं हुई, -11 में भी थर्ड सेल्फ में स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो बहुत सही रही, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि ये चीज़ें मैं और अच्छी कर सकता था, तो काफ़ी बढ़िया रहा। एंड आगे की जो भाई ट्रिप्स वगैरह होंगी, अब तो थोड़ा बहुत छोटा सा एक पहली जो होती है ना पहली सीढ़ी अभी चढ़ी है, पूरे 1250 किलोमीटर मैंने चलाई, इधर से जाते वक्त भी उधर से आते वक्त भी, मतलब एक बाइक राइड करना एक अलग ही फ़न था। जाने को मैं बस से भी जा सकता था, खैर कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे जाना था बाइक को लेके। कुछ हर चीज़ का एक रीज़न होता है जो कि बताया नहीं जाता, तो बस यही था सीन। बाकी भाई इस वीडियो में यही, एंड अभी मैं जा रहा हूँ इसको धुलवा के साफ सुफ करवाता हूँ, इसकी चेन वगैरह ल्यूब और टाइट वाइट करवा के लाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं वह आप लोगों से अगली वीडियो में। और भाई कमेंट करके बता देना कि अगली ट्रिप कहाँ करी जाए, स्नो मैंने दिखा दी, ठीक है। तो अब आप लोग बता देना कि आगे कहाँ जाया जाए, और कर देते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से कल, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, बाय।